हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बहुत ही दिलचस्प जगहों से भरी पड़ी है। इस पृथ्वी की हर जगह की अपनी एक अनोखी पहचान है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ अद्भुत जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। सालार डे यूयूनी अमेरिकी देश बोलीविया में डी यूयूनी नाम की एक जगह है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो धरती और आसमान का मिलन हो रहा हो। इसे दुनिया का सबसे बड़ा आईना भी कहा जाता है। ये 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ का व्यू इतना शानदार होता है कि ये कुदरत के किसी सपने की तरह लगता है जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ लोग जब भी चलते हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो खुले आसमान में बादलों के बीच उड़ रहे हैं। असल में पहले यहाँ एक झील हुआ करती थी जो टाइम के साथ नमक में बदल गई और अब देखने से ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ आईने ही आईने हों। सूर्य उदय और सूर्यास्त के वक्त का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ ऐसा लगता है कि सूरज जमीन और आसमान दोनों जगह से निकल और अस्त हो रहा हो। इस दौरान ये जगह स्वर्ग से कम नहीं लगती। अंडरवाटर पार्क। हमारी ये लिस्ट अंडरवाटर ब्यूटी के बिना अधूरी है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा पार्क है जो पानी के अंदर बना हुआ है। ये पार्क ग्रीन लेक के नाम से फेमस है। इस अंडरवाटर पार्क में आपको ट्री, पुल और बेंच देखने को मिलेंगे। वैसे तो इस लेक की गहराई बहुत कम है लेकिन पहाड़ों की बर्फ पिघलने से इसके आसपास का सारा एरिया पानी में डूब जाता है जिससे इसकी गहराई बढ़ जाती है। डाइविंग के शौकीन इस पार्क में जाते हैं और अंडरवाटर ब्यूटी का मजा लेते हैं। द लॉन्गेस्ट नेम विलेज। यूनाइटेड किंगडम के टापू पर बसा एक सुदूरवर्ती गांव पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे तो ये विलेज बाकी गांवों की तरह ही है लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका नाम। इस गांव का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे लंबे नाम वाला गाँव है। सितम्बर 2015 में जब इस गांव का देश भर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया तो टीवी पर मौसम की जानकारी देने वाले शख्स रातों रात मशहूर हो गए। दरअसल उन्होंने मौसम की जानकारी देते वक्त इस गांव का पूरा नाम बहुत फ्लुएंसी के साथ लिया था और इसके बाद से ही ये विलेज दुनिया भर में फेमस हो गया। स्पॉटेड लेक। ये है कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया की स्पॉटेड लेक। ये लेक अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसमें कई मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सोडियम सल्फेट सिल्वर और टाइटेनियम पाए जाते हैं। गर्मी में झील का पानी सूख जाने पर मिनरल्स के रंगों के कारण झील में अलग अलग रंग के स्पॉट्स बन जाते हैं जिसके कारण ये लेक रंग बिरंगी और बहुत खूबसूरत लगती है। झील के बारे में कहा जाता है कि इसमें नहाने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है पर कुदरत की ये अनोखी लेक देखने में बहुत अनोखी और मनमोहक है। डाई रेकोर्स ब्रूक। ये जर्मनी में बना एक बेहद खूबसूरत और खतरनाक पुल है जिसे डेविल्स ब्रिज भी कहा जाता है। इस पुल के बारे में कई कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि इस पुल को शैतान और इंसान दोनों ने मिलकर बनाया था पर शायद ये सिर्फ कहानी ही है। इसे बनाते वक्त इसके बिल्डर्स ने इसकी मजबूती से ज़्यादा इसकी खूबसूरती पर ज़्यादा ध्यान दिया था। जब इस पुल की रिफ्लेक्शन पानी में पड़ती है तो ये पुल एक रिंग की तरह दिखाई देता है जो देखने में बहुत मनमोहक लगता है। ये पुल काफ़ी पुराना है और बहुत कमज़ोर भी हो चुका है इसलिए इस पुल पर जाने की पाबंदी है। लेक नेट्रॉन। आपने राजा मिडास की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। जो जिस चीज़ को भी छूता है वो सोने की बन जाती है लेकिन क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर बन जाता है। ये है तंजानिया की नेट्रॉन लेक। फोटोग्राफर निक जब उतरी तंजानिया की नेट्रॉन लेक की तटरेखा पर पहुंचे तो वहां के दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। झील के किनारे जगह जगह पशु पक्षियों के स्टैचू नजर आए। वो स्टैचू असली मृत पक्षियों के थे। दरअसल झील के पानी में जाने वाले जानवर और पशु पक्षी कुछ ही देर में
कैलिसफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। एक्सटर्नल फ्लेम फॉल्स। दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमय चट्टान है जहां लगातार झरना बहता है, लेकिन इस झरने के ठीक नीचे सालों से आग जल रही है। ये अनोखा झरना न्यूयॉर्क के चेस्टनट पार्क में है, जिसे एटर्नल फ्लेम फॉल्स भी कहा जाता है। इस झरने की खासियत ये है कि यहाँ साल भर पानी बहता रहता है और उसके नीचे एक आग लगातार जलती रहती है। स्थानीय लोग इसे दैविक चमत्कार मानते हैं और इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ भी प्रचलित हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।